हैं भैया, जानते हैं आज हम कितनों भी स्टेज पर बड़ा बड़ा, जानते हैं खेसारी भैया हमको जानवे करते हैं, अच्छा प्रमोद भैया जानवे करते हैं, गुंजन भैया जानवे करते हैं, और गोलू भैया जानवे करते हैं, अजीत भैया जानवे करते हैं, अमृता दी जानवे करते हैं, अंतरा दी जानवे करते हैं, सब जितना भी मतलब कि हमारे गुरु जी को कलाकार जितना जानता है उतना हमको भी जानता है। अच्छा अच्छा और खेसारी लाल भैया के साथ हम स्टेज शो भी किए थे अच्छा, सावन में, अच्छा मतलब आईपीसी फाउंडेशन है एगो वहाँ, अच्छा बाबा का नगरी में, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ लगता है वहाँ सब कलाकार आता है, अच्छा, कल्पना रहे या देवी दी रहे, कल्पना दी रहे, सबको आता है जितना भी है, एकदम सब आता है। तो हम नीचे नाच रहे थे, खेसारी भैया हमको देख लिए, बोला बउआ भैया तनी ई बउआ के चढ़ा दो ऊपरा, तो तनी कैसन डांस करे था देख ली। देखा तो खेसारी भैया खुश हो गया। आ इसी तरह मतलब कि धीरे धीरे बड़ा स्टेज पर जाने लगे, अच्छा तो फिर वहां से अभी भी वहां तक चल गए, फिर भी हम घमंडी नहीं करते कि इतना बड़ा हम आदमी हो गए, ये कभी ना सोचते मन में, हम सदा सोचते हैं कि हम बहुत छोटे आदमी है, छोटे बन के रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे भैया, नहीं बिल्कुल अगर सही, गलत बोलते होंगे तो बोलिएगा, नहीं, हम बिल्कुल नहीं सही जानते बात। कि बहुत बड़ा आदमी हो गए, इसलिए हम कभी घमंडी भी नहीं करते हैं, नहीं करेंगे जिंदगी में, नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग का प्यार दुलार है, इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए, और आप लोग से क्या कहेंगे, और इसी तरह मतलब कि आगे बढ़ते गए। और अभी भी हम होटले में काम करते हैं, अच्छा होटले में कस्टमर को बुलाते हैं, एको स्पेसी चाइनीज फास्ट फूड है अच्छा बोरिंग रोड चौराहा पर, अच्छा अच्छा उसमें हम काम करते हैं अभी भी। अच्छा अच्छा हम ही नहीं सोचते कि उतना बड़ा स्टेज पर होकर तुम होटल में काम करते हो, हम ही कभी नहीं सोचते, मतलब आज रोटी अपना मतलब स्थिति सुधारने के लिए अभी आप काम करते हैं, प्लस में गाते भी हैं, स्टेज भी करते हाँ हैं। मतलब कि मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं, अच्छा दो तीन आदमी को हम बोले साथ देने, फिर भी कोई नहीं साथ दिया अभी तक, जितना अच्छा भी कर रहे हैं सब अपने बोलो तक, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता। कोई सपोर्ट नहीं, न घर से न बाहर अच्छा से, अच्छा जो भी कमाता है कष्टा में दूर भी है इसी में लगा लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही मेहनत करते रहिए, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाता है। हर स्टार अभी भोजपुरी में ऐसे ही अर्श से फर्श तक गए हैं, तो हम भी ठीक है ऊपर भैया, वाले से आप लोग दुआ का करेंगे कि आप ये बहुत अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत सुपर स्टार बने, खूब नाम कमाए, खूब नाम शोहरत कमाए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आपके गुरु जी का आपके साथ हैं, तो इसमें आपको तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप ठीक है भैया, जाएंगे कि आप जाते जाते थोड़ा आप अपने मिजाज में और ठीक है ऑर्केस्ट्रा भैया, मूड आप में लोग कुछ इसी तरह बोलते प्यार हुए, दुलार देते रहिए, आशीर्वाद कुछ देते ऐसा रहिए बोलते छोटे हुए बच्चों तरकता को, हुए, जो जैसे आप शायर बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, आप चाहेंगे कि जाते जाते कुछ दो तीन शायर सुनाते जाएं पब्लिक लोग को। जैसे कि आजकल लड़कियां बहुत कहता है कि खूब सुंदर है, अच्छा कहता है ना लोग, हाँ, लेकिन मैं बता दूं भैया, कोई लड़कियां सुंदर नहीं लगती है, अच्छा ये तो ब्यूटी पार्लर की कमाल है, पुराने बिल्डिंग की पोत पात के नई बिल्डिंग बना देती है, अच्छा अच्छा ये तो पार्लर वालों की कमाल है, फेयर लवली लगा लेता है, कितना क्रीम निकला है, कौन सी निकला है, क्रीम निकला है, फेरम फेरी निकला है, मतलब अन से अन क्रीम निकला है, आजकल लड़कियां लगा लेती है, अगर नहीं विश्वास है तो एक एक लोटा चेहरे पर पानी मारकर देखो, सबके मुंह लगेगा कुकुर के जैसे, बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ, कोई आजकल लड़कियां कोई खूबसूरत नहीं लगती है, ये तो ब्यूटी पार्लर की कमाल है, पुराने बिल्डिंग की पोत पात के नई बिल्डिंग बना दी, अगर नहीं विश्वास है तो एक एक लोटा चेहरे पर पानी मारकर देखो, सबके मुंह लगेगा कुकुर के जैसा, लेकिन मैं बता दू असली फेस मर्दों का होता है, जो ना आया धोया निकल गया, मैं लड़कियों के बारे में क्या कहूं, जितना कलू साफ, मैं कहना चाहूंगा कि इसका नजरी झुकी झुकी इसका चेहरा खिला खिला, इसका नजरी झुकी झुकी इसका चेहरा खिला खिला, और जब इसके चेहरे पर मैंने हाथ डाला तो 250 ग्राम फेयर लवली मिला। क्या बात है क्या बात है, अगर अच्छा लगा भैया तो आप लोग जरूर आशीर्वाद दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।